स्वागत है भाई लोग आज के फर्स्ट टी10 के वीडियो में। आज का फर्स्ट टी10 का मैच आपका ECC इंटरनेशनल टी10 का रहेगा, जिसमें आपको बल्गेरिया के सामने IOM की टीम दिखेगी। दोनों टीम कल के दिन ऑलरेडी मैच खेल चुकी है। बल्गेरिया की टीम ने कल के दिन 2 मैच खेला और IOM की टीम ने दोस्तों कल के दिन आप देखोगे 1 मैच खेला। बल्गेरिया का उतना अच्छा मैचेज नहीं रहा, बट IOM की टीम ने अपना फर्स्ट मैच ही विन किया है। मैच आपका हमेशा की तरह 3:15 से स्टार्ट होगा। टॉस आपका 1 घंटा पहले हो जाएगा। इस मैच के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ना हेल्प करेगा, चाहे आपका वो ट्रॉम कार्ड प्लेयर हो, चाहे प्लेयर का डिटेल हो, प्लेयर का रिकॉर्ड हो, प्लेयर का बैटिंग पोजीशन हो, कौन से बॉलर कितना ओवर का बॉलिंग करेंगे, कब बॉलिंग करेंगे, कौन से बॉलर दोस्तों आपके लिए इस मैच में ट्रॉम कार्ड का काम करेंगे, सब मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। टाइम हो ना तो वीडियो को पूरा देखना, फिर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना कि यार कितना इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ेगा, ठीक ना। और फाइनल टीम भी ऐसे मैंने डाल दिया है वीडियो के लास्ट में। टाइम कम हो तो आप डायरेक्ट फाइनल टीम भी सेव कर सकते हैं। उस टीम में बस ध्यान ये रखिएगा, कोई चेंज या कोई अपडेट करना होगा उस टीम में तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल अपडेटेड कॉम्बिनेशन यहाँ भी आपके लिए ज़रूर आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आप देखो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक ना आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक करो, पहला कमेंट पिन किया हुआ मिलेगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कल का दिन बहुत अच्छा गया है, बस उम्मीद करते हैं आज का भी दिन आपके लिए मैं अपना बेस्ट बना के दूँ, ठीक ना। आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, बस उसके बाद तो भगवान का दया रहा तो डेफिनेटली विन करेंगे। बोलो जय बजरंगबली। और जिन भाइयों ने अभी तक YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद ना ये नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं BUL और IOM के मैच में क्या कॉम्बिनेशन अपना हम लोग लेके चलेंगे। आते हैं सबसे पहले दोस्तों हमेशा की तरह विकेट कीपिंग सेक्शन में। 4 सेक्शन है, एक विकेट कीपिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन। ये 4 सेक्शन को मिला के दोस्तों हम लोग अपना कॉम्बिनेशन रेडी करेंगे, और साथ ही साथ एक सेक्शन आप कैप्टन BC का भी ज़रूर रख लीजिएगा। पहला सेक्शन हम लोग कवर करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन, जहां पे पहला ऑप्शन है दोस्तों एम बासीर। देखो बासीर जैसे परफॉर्मेंस इनका रहा था ना पहला मैच में, दूसरा मैच इनका उतना अच्छा नहीं गया, बट स्टिल आप उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि बासीर का 2024 डैट मीन्स ये जो साल रहा है ना इसका बहुत अच्छा जा रहा है दोस्तों। इस साल में ये गर्दा छुरा के रन मार रहे, कंसिस्टेंट आपको स्कोर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ इस साल ये 650 रन ऑलरेडी कर चुके हैं, और सिर्फ 29 मैच के अंदर। नीचे आओगे दोस्तों सी हार्टमैन। अब देखो दोस्तों कल के दिन हुआ क्या, IOM की टीम ने ना सी हार्टमैन को आप देखोगे फर्स्ट राउंड बैटिंग करने के लिए भेजा था। ये प्लेयर आउट नहीं हुआ था, नॉट आउट रह गया था, ज़्यादा स्कोर ही नहीं था तो ये कहाँ से स्कोर करेगा। लेकिन समझने वाली बात दोस्तों ये है, देखने वाली बात दोस्तों ये है कि ये बंदा दोस्तों फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आया था। मैं बता रहा हूँ यदि ये फिर से फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आता है ना, और IOM की टीम दोस्तों बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेना जरूर पड़ेगा। मैं भी के लिए लेके ही चलूंगा, उम्मीद करता हूँ ये मेरा ट्रम्प कार्ड प्लेयर बन जाए इस मैच का। लॉजिक यही है, आप देखोगे कल का मैं प्लेइंग 11 दिखाता हूँ IOM टीम का, जो ये 12 बजे वाला मैच था जो हम लोग कवर नहीं कर पाए थे। यार मेरे को नींद लग गया था और मैं सो गया था, मेरे को झक्के रन। मैं बता रहा हूँ यदि इस मैच को भी मैं कवर करता ना आप लोग को 500% में विन करवा देता, 100% में आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ विन करवा देता, लेकिन वही है नींद लग गया सो गया। कि अब एक चीज़ देखो प्लेइंग 11 पहले यहाँ पे देख लो, सी हार्टमैन कल के दिन दोस्तों फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आया था। बैटिंग फर्स्ट करे IOM की टीम या बैटिंग सेकेंड करे, देखो इसका बैटिंग आने का चांस पूरा रहेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको रखना ज़रूर चाहिए इनको, ठीक ना। सी वेबस्टर खराब प्लेयर नहीं है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा इनका नीचे रहेगा, हार्टमैन के तो नीचे ही रहेगा, इसलिए मैं वेबस्टर को अभी नहीं लूँगा। वेबस्टर को आपको लेना हो तो हार्टमैन के साथ इनको आप रोटेशन में आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, कोई मना नहीं है, बस इनका बैटिंग पोजिशन नीचे इसलिए मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। ए मिश्रा दोस्तों खेले तब भी आप टीम में मत लेना, उतना खास रिकॉर्ड नहीं है तो काहे को लोगे। आ जाओ डायरेक्ट इधर बैटिंग सेक्शन में, पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका जे गुल का। यार जे गुल ने कल के मैच में परफॉर्मेंस बहुत शानदार किया है, मैं बता रहा हूँ जे गुल बॉलिंग अच्छा करता था ये चीज़ तो मेरे को पता ही था, लेकिन जे गुल का बैटिंग देख के ना
मैं पूरा सरप्राइज था। पहला मैच जो ये बैटिंग कर रहे थे, मेरा दोनों हाथ दोनों आग जो था ना इतना बड़ा हो गया था, यार बंदा इतना अच्छा बैटिंग कर रहा है और डोमेस्टिक लेवल पे क्या परफॉर्मेंस करके आ रहा है। प्लेयर का डोमेस्टिक लेवल का परफॉर्मेंस अच्छा होता है और इंटरनेशनल लेवल पे ख़राब करता है, लेकिन जे गुल भाई का अलग ही रिकॉर्ड है। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे गर्दा परफॉर्मेंस किया और डोमेस्टिक लेवल पे एकदम बकलोल वाला परफॉर्मेंस था। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जैसा बैटिंग कर रहे हैं जैसा बॉलिंग कर रहे हैं इस मैच में भी अच्छा कर सकते हैं। पी मिश्रा ले लेना यार, एक्सपीरियंस का कोई कमी नहीं है। देखो पी मिश्रा को मैं फर्स्ट मैच से बोल रहा हूँ, पी मिश्रा को लेना तो बस इसलिए लेना क्योंकि इनको एक्सपीरियंस का कोई कमी नहीं है, भरपेट एक्सपीरियंस है दोस्तों बड़े लेवल पे खेलने का। और कल का मैच भी देखोगे तो दो मैच खेले, पहला मैच में 1 विकेट, दूसरा मैच में 3 विकेट, बैटिंग दोनों फ्लॉप। और मैं बता रहा हूँ इस मैच में भी बैटिंग से ये कुछ नहीं कर पाएंगे, चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, 10 रन भी नहीं कर पाएंगे हो सकता है, लेकिन बॉलिंग से यार फिर से आपको विकेट दे सकते हैं। तो एज अ बॉलर लेना इंपॉर्टेंट बनता है और बैटिंग पोजिशन भी देखो तो हमेशा इनका ओपन रहता है, तो इसलिए मैं रख के चल रहा हूँ। ई बियर्ड ओपन बैटिंग करने आएंगे और कल का लास्ट मैच बहुत शानदार खेल के आ रहे हैं, 40+ स्कोर भी किए थे कल का लास्ट मैच में। बैटिंग टॉप क्लास था इनका, मैंने अभी हाईलाइट देखा है इनका बैटिंग का, बहुत अच्छा बैटिंग था। मैच तो देख नहीं पाया बट हाईलाइट मैंने देखा था, बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे थे, शॉर्ट बॉल बहुत तगड़ा खेलते हैं। नीचे आओगे दोस्तों अहमद जल, इस लेवल पे भाई को उतना चांस नहीं मिल पा रहा है बॉलिंग बैटिंग से, इसलिए मैं कंसीडर नहीं कर पाऊंगा। रिकॉर्ड ख़राब नहीं है लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, चांस मिलना चाहिए, चांस ही नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। नीचे आ जाओ दोस्तों एवेन, देखो दोस्तों कल का ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर था, आपका ध्यान रखिएगा IOM वाला मैच का, जो 12 बजे वाला मैच था, बॉलिंग इन्होंने बहुत अच्छा किया है, 2 ओवर बॉलिंग करके आपको 1 विकेट प्रोवाइड किया। और मैंने वीडियो में, मैंने आपको टीम तो अपडेट नहीं कर पाया लेकिन मैंने वीडियो में बताया था ये आपका ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेगा स्पेशली एज अ बॉलिंग, क्योंकि बहुत लोगों को ना इसका स्टैट्स मिला ही नहीं होगा, वो कितनों मेहनत किए होंगे इसका स्टैट्स नहीं मिला होगा। बट मैंने इनका स्टैट्स निकाला था और मैंने बताया था 30 मैच में 22 विकेट निकाल चुके हैं बॉलिंग से, यहाँ पे बॉलिंग कर सकते हैं और इन्होंने किया भी और विकेट भी निकाल लिया। एस बैनेट दोस्तों बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे करने आ रही, ये इनका प्रॉब्लम है दोस्तों, इसी वजह से मैं टीम में नहीं ले रहा हूँ, बट खिलाड़ी अच्छा है। T10 में इसने 2 मैच ही खेला है, 28 रन बैटिंग से स्कोर किए, पर T20 में काफ़ी शानदार रहा है परफॉर्मेंस, 32 मैच में दोस्तों T20 में आप देखोगे 756 रन का स्कोर किए हैं। तो देखते हैं बैटिंग पोजीशन इनका, जब आपको टॉप ऑर्डर में दिखे तब लेना, नीचे रहे तो ड्रॉप करना। लास्ट मैच आप देखोगे एस बैनेट का बैटिंग पोजीशन 5 नंबर पे था और 5 नंबर पे रहा ना, तो देखो यार बैटिंग से चांस आप आना ना, सच बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है। एम सुफियान बॉलिंग का चांस मिलेगा नहीं, ड्रॉप करके ही चलो। सीरोज पोल को ड्रॉप कर सकते हो, ये उतने अच्छे प्लेयर नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाओ, सीकुल्ले को ले लो, ओपन बैटिंग प्लस 2 ओवर का बॉलिंग आपको ज़रूर करेंगे और बल्गेरिया टीम के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर में से ज़रूर लेना चाहिए आपको। नीचे दोस्तों सीन लैंगफोर्ड लेना 100% इम्पॉर्टेंट है, आपको डेथ में 1 ओवर बॉलिंग करेंगे और 1 ओवर पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छा प्लेयर है और बैटिंग से चांस मिला तो बैटिंग से भी बढ़िया करता है। T10 का आप रिकॉर्ड देखोगे 2024 का, तो 4 मैच खेले, 42 रन स्कोर किए हैं और आपको 2 विकेट प्रोवाइड किए हैं 7 ओवर का बॉलिंग करके। ये मैं इनका इस साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ 2024 का। पहला मैच भी देखोगे तो बॉलिंग से 2 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट लिए, बैटिंग से चांस नहीं मिला। डीएली बॉलिंग फर्स्ट यदि बल्गेरिया की टीम करती है तो मजबूरी है इनको लेना, क्योंकि डेथ में 200 बॉलिंग करने आ जाते हैं डीएली कभी कभी, लेकिन मैं बता रहा हूँ यदि बॉलिंग फर्स्ट बल्गेरिया की टीम नहीं करती है, मैं पूरा 1-साइडेड कम्बिनेशन बना दूंगा IOM को फेवर करके, जिसमें मैं IOM के सभी बॉलर को लेना चाहूँगा। क्योंकि देखो डीएली ऐसा नहीं है कि बैटिंग बहुत अच्छा कर रहा है, बैटिंग इसका 2024 में एवरेज ही रहा है और इस टूर्नामेंट में 2 मैच खेला है, दोनों मैच में आप देखोगे बैटिंग भाई का बहुत गंदा ही रहा है दोनों ही मैचों में। तो बॉलिंग से बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि बॉलिंग सेकेंड इसकी टीम करती है तो डीएली का सिलेक्शन हाई है तब भी मैं नहीं लूँगा। रीज़न मैंने बता दिया दोस्तों कि बैटिंग सेकेंड में होगा ना, यदि दोस्तों बल्गेरिया की टीम दोस्तों बैटिंग सेकेंड करेगी तो होगा क्या दोस्तों कि बॉलिंग का चांस तो मिल नहीं पाएगा उतना, हो सकता है सामने वाला टीम 205 ओवर में मैच खत्म कर दे, और हो सकता है सामने उनका बैटिंग बहुत स्ट्रांग है तो, और डीएली डेथ में बॉलिंग करता है तो बॉलिंग ही नहीं आ पाएगा, तो ये लॉजिक थोड़ा ध्यान रखना। ओ एबस्टर इस टीम का एक बहुत शानदार प्लेयर है। ओ एबस्टर का यार कल का जो मैच था ना, आप देखोगे बैटिंग से थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे और बॉलिंग भी उतना अच्छा नहीं रहा था,
कल का दिन बहुत खराब गया इनका, लेकिन वेबस्टर एक बहुत अच्छा प्लेयर है। आप ये नहीं समझना कि अब सब दिन ऐसा ही परफॉर्मेंस करेंगे, हो सकता है आज के मैच में आपको 50-60 कर जाए, आराम से कर सकते हैं जैसा ये प्लेयर है। मैं बता रहा हूँ T10 में आप देखोगे 5 मैच में 187 रन है, मजाक है दोस्तों 5 मैच में 187 करना। फोकस ज़रूर करना और बॉलिंग भी दोस्तों आपको 1 से 2 ओवर ज़रूर करेंगे इस मैच में भी। मैं बता रहा हूँ हो सकता है मेन पे रिस्क ले लूँ एज अ कैप्टन भी करके, फोकस ज़रूर करना। डी बिनू उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं ट्राई करने वाला हूँ। बेनत देखो दोस्तों ये प्लेयर ना, बेनत ध्यान रखना जब भी आगे आपको टूर्नामेंट में खेलते हुए मिले आप रिकॉर्ड ज़रूर देख लो। 5 मैच खेले हैं T20 में, 110 रन बैटिंग से स्कोर किए हैं और 5 मैच में बॉलिंग से 1 विकेट लिए हैं टोटल दोस्तों 12 ओवर का बॉलिंग करके। रिकॉर्ड ना कहीं से भी ख़राब नहीं है, 5 मैच में 110 रन 12 ओवर का बॉलिंग, डैट मीन्स बॉलिंग भी थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं। यदि जिस मैच में भी आपको खेलते हुए मिले आपका ट्रम्प कार्ड प्लेयर का काम करेंगे ज़रूर। बॉलिंग सेक्शन से सी काटे 100% मेरे टीम में रहेगा, बंदा डेथ में बॉलिंग कर रहा है। कल के दिन इनका जो खतरनाक बॉलिंग मैंने देखा है ना यार, उसके बाद तो मेरे को ड्रॉप करने का मन नहीं कर रहा है। और नीचे से एम रसेल यार, इसके बॉल पे ना रन मार पाना बहुत हार्ड रहेगा बैट्समैन के लिए, बंदा बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, स्पिन बॉलर है। देखो इस पिच पे स्पिनर को उतना हेल्प नहीं है, लेकिन मैंने एंसल का दोस्तों बॉलिंग देखा है। एक तो दोस्तों ये ओवर पिच बॉल ना बहुत कम बोलता है, ओवर पिच बॉल आप समझते होंगे ऐसा बॉल जो डायरेक्ट दोस्तों बैट के नीचे आता है और दोस्तों ऊपर की ओर जाता है सिक्स के लिए। इनका जो लेंथ है ना गुड लेंथ पे ज़्यादातर ये बॉलिंग करते हैं, जिसे बैट्समैन हमेशा सोचने में रहते हैं कि यार आगे जाके खेलें या पीछे जाके खेलें, और यही सोच में कल इन्होंने 2 विकेट निकाल गए थे और 2 ओवर में सिर्फ इन्होंने 3 रन दिया और 202 विकेट निकाल गए, समझ रहे हो। 2 ओवर में 2 विकेट लेना और ऊपर से सिर्फ 3 रन देना और वो भी T10 के मैच में, तो आप भाई का क्लास समझ सकते हो। ए रसूल खराब बॉलर नहीं है दोस्तों, लेफ्ट आर्म बॉलर है। देखो लेफ्ट आर्म बॉलर का कल का दिन इनका अच्छा नहीं गया, मैं मानता हूँ पहला मैच 0 विकेट, दूसरा मैच में 1 विकेट लिए, लेकिन लेफ्ट आर्म बॉलर का ना आप ये चीज़ कभी भी ध्यान रखना, कभी भी वो अच्छा कर सकता है। यदि उसका दिन रहे तो 2 विकेट पावर प्ले में ही निकाल लेगा, और रसूल आपको पावर प्ले में बॉलिंग करता है ओवर नंबर 1 और ओवर नंबर 3, तो रसूल पे ज़रूर फोकस रखना। हो सकता है मेरी ये टीम में भी हो जाए, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकेंड दोनों में रसूल इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग तो ज़रूर करेंगे। रसूल को लेना होगा ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको कुछ ऑप्शन बता देता हूँ जिसको आपको फोकस रखना। देखो रसूल को लेना होगा, एक तो आप पी मिश्रा के जगह रसूल को ले सकते हो, कोई मना नहीं है दोस्तों। मिश्रा भैया बॉलिंग उतना अच्छा, बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सामने टीम बहुत तगड़ी है तो हो सकता है बॉलिंग से उतना अच्छा ना कर पाए, तो मिश्रा और रसूल ये दोनों में से कोई एक प्लेयर को आप रख सकते हो, ये आप रोटेशन कर सकते हो इस मैच में, कोई मना नहीं है। कैप्टन भी सी किसको करना है अभी के लिए, देखो दोस्तों मैं कैप्टन तो जाने वाला हूँ ओ वेबस्टर के साथ, ओपन बैटिंग प्लस 1 से 2 ओवर का बॉलिंग, हाई रिक्स है, कल का दिन अच्छा नहीं गया, बस उम्मीद करते हैं आज अच्छा जरूर जाए, इनको मैं कैप्टन कर रहा हूँ। और बीसी दोस्तों मैं कर रहा हूँ ईबीएड को, मेरा जो टीम है देखो वन साइडेड टीम है IOM टीम को फेवर करके। अब इसमें आप चेंज करना चाहते हो तो कैप्टन बीसी आप यदि सेफ जाना चाहते हो, रिक्स नहीं लेना चाहते हो, तो आप ये करना कैप्टन सी लेकअप कर लेना, वाइस कैप्टन दोस्तों आप इधर से कर लेना जेगुल, क्योंकि जेगुल का परफॉर्मेंस दोनों मैच में जस्ट आउटस्टैंडिंग किलिंग रहा है एकदम, तो आप ये कम्बिनेशन भी फॉलो कर सकते हो यदि आप बल्गेरिया टीम को फेवर करके टीम बना रहे हो, ठीक ना। और यदि आप बल्गेरिया को फेवर करके टीम बना रहे हो ना, तो फिर इसमें आप एक प्लेयर और एक्स्ट्रा बल्गेरिया के ज़रूर रख लेना, चाहे वो आप DLE रखो या दोस्तों रसूल रखो, टीम को सेव कर लीजिए। कोई चेंज या कोई अपडेट इस टीम में करना होगा फाइनल प्लेइंग 11 आने के बाद और टॉस हो जाने के बाद, तो आपको पता है मैं फाइनल अपडेटेड कम्बिनेशन आपके साथ टेलीग्राम पे 100% शेयर कर दूंगा, बस वहाँ से आप अपना कम्बिनेशन अपडेट कर लेना, ठीक ना भाई लोग। टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, फटाफट कीजिए भाई लोग। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, और इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक करो ना, सबसे पहला कमेंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक ना यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ना नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का इजीली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, डन ना भाई लोग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।